Good morning students. Today we are going to learn how to make paper flexagon. Flexagon कैसे बनाते हैं ये आज हम सीखते हैं. तो उसके पहले सब हम पर कुछ उसके इमेजेस देख लेते हैं. तो बच्चों ये दो flexagon की इमेजेस है. ये देखो आप, ये दोनों अलग अलग एंगल में हैं. उसके बाद हम ये दूसरी इमेज देखते हैं. ये देखो हमने एंगल चेंज किया है. उसके बाद ये तीसरी इमेज. इस प्रकार फ्लैक्सागन अलग अलग एंगल में आपको दिखाया है. तो इस तरह से हम एंगल चेंज करके फ्लैक्सागन बना सकते हैं. फ्लैक्सागन का यूज़ होता है बेटा, आप पजल बना सकते हो, अगर कोई संज्ञा वगैरह है, गेमिंग है, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. छोटे बच्चों के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं और हम इससे कुछ सीख सकते हैं, कुछ अलग कुछ बना सकते हैं. तो बच्चों चलिए तो आज हम फ्लैक्सागन कैसे बनाते हैं ये आज सीखते हैं. देखिए हमने जो फ्लैक्सागन बनाया है वो इस तरह से मूव होता है. यहाँ पर हम अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग कलर से हम अलग अलग हिस्सा दिखा सकते हैं. तो इस तरह से हमें फ्लैक्सागन को हम कलर कर सकते हैं और अलग से फ्लैक्सागन बना सकते हैं. इसका डिफरेंट डिफरेंट यूज भी है फ्लैक्सागन का. हमें फ्लैक्सागन बनाना है तो फ्लैक्सागन बनाने के लिए हमने एक ड्रॉइंग शीट लिया है, उसे हम हाफ फोल्ड करेंगे. हाफ फोल्ड करने के बाद हमें सेंटर में एक एज मिल जाएगी. इस तरह से हमने पेपर को हाफ फोल्ड किया है. हाफ फोल्ड करने के बाद हमें एक एज मिल गई. अब उसे हम माउंटेन फोल्ड कर रहे हैं. एक साइड में सेंटर से हम एक माउंटेन फोल्ड कर रहे हैं. सिमिलर दोनों साइड माउंटेन फोल्ड करना है हमें. सिमिलरली दोनों साइड हमने माउंटेन फोल्ड कर दिया है. अब बचा हुआ हिस्सा हमें कट कर देना है. तो हम कटर से सीजर से हम कट कर सकते हैं. मैंने इसे उल्टा कर लिया. उल्टा करने के बाद डायरेक्टली कटर से मैं कट करूंगा. आप सीजर से कट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. हमने कटर लिया है और कटर से हम ये हिस्सा कट कर देंगे. इस तरह से हमने हिस्सा कट कर लिया है. उसके बाद यहाँ पर माउंटेन फोल्ड दिख रहा है. अब हमें इस पेपर को हॉरिजॉन्टली फोल्ड करेंगे. इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है. अब इसे ओपन करके हम सेंटर से फोल्ड करेंगे. दोनों साइड से, दोनों साइड से हमें फोल्ड करना है. अब हम इसे हाफ फोल्ड कर देंगे. हमने हाफ फोल्ड कर लिया. अंदर दो फोल्ड करने के बाद हमने हाफ किया है. अब ये हाफ का वापस हम हाफ फोल्ड करेंगे. इस तरह से एक बाजू उठा ली हमने और इसका हाफ फोल्ड कर दिया. सिमिलरली दोनों साइड से हाफ करना है हमें. फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी हमें हाफ हाफ करना है. पेपर को हमने उल्टा कर दिया और दूसरी साइड भी हम सेम उसी तरह से फोल्ड कर रहे हैं. इसी तरह से हमने फोल्ड करके स्क्वायर कर दिया है. इसी तरह पूरे पेपर में हमें स्क्वायर करने हैं. इसको वापस हम ओपन कर लेते हैं. 1 2 3 4 को इस तरह से हमें चार स्क्वायर मिले हैं. चार स्क्वायर के हमें वापस एक स्क्वायर में चार स्क्वायर करने हैं. इस तरह से हमें फोल्ड करने हैं. तो ये पूरे पेपर में हमें फोल्ड करने हैं इस तरह से. इसके बाद हमें यहाँ से एक फोल्ड और करना है. इस तरह से पूरे पेपर में हमें स्क्वायर स्क्वायर फोल्ड करने हैं. इस तरह से फोल्ड कर दिए हमने. इसके बाद ये तीसरा फोल्ड हमने यहाँ से कर लिया वापस. इस तरह से सारे पेपर में इस तरह से पूरे पेपर में हमने फोल्ड कर दिए हैं. उल्टे सुलटे कर सकते हैं. हम पेपर को दोनों साइड से फोल्ड कर सकते हैं ताकि हमें बाद में फोल्ड करने में आसानी हो, इसलिए दोनों साइड से हम फोल्ड कर लेंगे. इस तरह से फोल्ड होने के बाद हम क्रॉस हमें लाइन ड्रॉ करनी है. वीडियो में दिखाई गई इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है. आप डायरेक्टली पेन यूज कर सकते हो, पेंसिल यूज कर सकते हो. डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करनी है हमें और वहां पर हमें फोल्ड करना है. वो लाइन ड्रॉ करके हमें फोल्ड करना है. टू बाई वन ऐसे लाइन हमें खींचनी है. दो स्क्वायर के कॉर्नर पकड़कर हमें लाइन खींचनी होती है. सिमिलर होना चाहिए. यहाँ से हमने ये दूसरी लाइन ड्रॉ की है.
सिमिलर लाइन हमें सब जगह पर खींचनी है। तीसरी लाइन, उसके बाद यहाँ से चौथी लाइन, चौथी लाइन यहाँ पर, इसी तरह से हमें लाइन खींचनी है। उसके बाद यहाँ से पांचवी लाइन, जहाँ से हमने दो को स्क्वायर फोल्ड किए वहाँ से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी होती है। दो स्क्वायर लेकर दोनों के एंडिंग पॉइंट पर हमें लाइन ड्रॉ की, इस तरह से लाइन पूरे पेपर में करनी है और इस लाइन को हमें फोल्ड भी करना है बाद में। इसी तरह से हमने लाइन ड्रॉ की है, देखो यहाँ से इसी तरह से पूरे पेपर पर लाइन ड्रॉ करनी है हमें। सिमिलरली तीसरी लाइन, इस तरह से सारे जहाँ पे हमने फोल्ड किए वहाँ पर लाइन ड्रॉ की, वहाँ पर हमें फोल्ड करना है। स्केल यूज करेंगे हम, स्केल से फोल्ड करेंगे, इस तरह से प्रेस कर फोल्ड करना है हमें। इस तरह से पूरे पेपर को हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से चौथी जगह पर, इसी तरह से लास्ट कॉर्नर पे हम फोल्ड कर देंगे। सिमिलरली अपोजिट साइड भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करना है, यहाँ से सिमिलरली यहाँ से, इस तरह से हमें पूरे पेपर को फोल्ड करना है। पांचवी जगह से भी हमें इस प्रकार हमने पेपर को दोनों साइड से प्रॉपर फोल्ड कर लिया है। फोल्ड होने के बाद इस तरह से हम दोबारा प्रॉपर फोल्ड कर लेंगे और दोनों साइड से। दोनों साइड से प्रॉपर फोल्ड कर लिया है हमने। अब हमने ये हिस्सा फोल्ड किया है, जो हिस्सा हमें छोटा लगता है वो दूसरे हिस्से के अंदर हमें फिट करना है। लुक दिस, ये हिस्सा इस हिस्से के हम अंदर फिट करेंगे इस प्रकार। प्रॉपरली हमें फिट करना है, इस तरह से हमें ट्रायंगल शेप मिल जाएगा। इस तरह से हमें प्रॉपर ट्रायंगल मिल जाएगा। उसके बाद ट्रायंगल मिलने के बाद हमने जो जहाँ पर फोल्ड किए वो फोल्ड भी किए, इससे दोनों साइड से हम दबाएंगे, इस तरह से वीडियो में दिखाया है। इस तरह से दबाने के बाद उसे अंदर से धीरे से प्रेस करेंगे। उसके बाद उसे ओपन करने के बाद दूसरा हिस्सा लेंगे हम, दूसरे हिस्से को भी सिमिलरली दोनों साइड से इस तरह से प्रेस करेंगे और हल्के से फोल्ड करेंगे हम इसे। ज़्यादा जोर से प्रेस करेंगे हम तो पेपर फट सकता है। इसी तरह से हम तीनों साइड हम इसी तरह से धीरे से प्रेस करके हमें फोल्ड करना है, तभी हमारा फ्लेक्सिबल प्रॉपरली बन पाएगा। उसके बाद हमने दोनों साइड से प्रॉपर कर लिया है। उसके बाद अंदर से दबाना है, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे, जो मतलब षटकोण बोलते हैं हम, हेक्सागन बोलते हैं, उसे हमें प्रेस करना है। इस तरह से हमारा फ्लेक्सिबल रेडी है। तीनों साइड से प्रेस करने के बाद सभी तरह से धीरे धीरे हमें ये प्रोसेस करना है। हाँ, सिमिलरली अंदर की साइड से हमें प्रेस करना है। ओके, तो इस तरह से प्रॉपर हमारा फ्लेक्सिबल बन चुका है। लुक दिस, इस तरह से हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, हाँ सिमिलरली अपोजिट साइड भी इस तरह से, हाँ सिमिलरली अपोजिट साइड से भी ऐसे ही आता है। इस तरह से फ्लेक्सिबल हमारा फुल पजल्स वगैरह बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लुक दिस, ब्यूटीफुली इस तरह से हमारा फ्लेक्सिबल रेडी। इस तरह से हमारा फ्लेक्सिबल घूमता है इजीली। हां, सिमिलरली हमने जो दूसरा पहला वाला बनाया है उसे भी हम इस तरह से घुमा के देखेंगे। इस तरह से ये फन के लिए यूज़ कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने वाइट और येलो फ्लेक्सिबल बनाया है। आप अलग अलग कलर के फ्लेक्सिबल बना सकते हो।
तो बच्चों हमने इस तरह से फ्लैग हेक्सागन कैसे बनाते हैं ये हमने वीडियो के जरिए देखा है। तो बच्चों आपको अलग अलग पेपर से आप फ्लैग हेक्सागन बना सकते हो और उसको आप डिफरेंट डिफरेंट फन के लिए यूज़ कर सकते हो, गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर संज्ञा वगैरह हम देखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों आपको सबको ये फ्लैग हेक्सागन बनाना है और मुझे गूगल क्लासरूम में एक मिनट का वीडियो या फिर फोटो इमेज मुझे सेंड करनी है। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो मेरा नंबर आप सबके पास है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।